2D क्लोथ पैकिंग में हमने कहाँ देखा था, हमने ये देखा था कि 2D डायमेंशनल क्लोथ पैकिंग यहाँ पे उसमें जब भी हम लोग दो रो को एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं, उनको 2D में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें एक फिगर का फॉर्मेशन देखा था जो था हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी, तो कितना आया था क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, कितना आया था बताओ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आया था? फोर, है ना। मतलब उसमें हमारा और ज्योमेट्री किस टाइप की फॉर्म हो रही थी, तो ज्योमेट्री हमारी फॉर्म हो रही थी यहाँ पे स्क्वायर ज्योमेट्री फॉर्म हो रही थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर ज्योमेट्री जब भी फॉर्म होती है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। इसी तरीके से क्या होता है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, यहाँ पे इसमें 3 लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे तरीके से, एक इस तरीके से यहाँ पे इसमें अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज होंगे, और इनके अरेंजमेंट के क्या होगा, इनके सेंटर बीच में क्या होंगे, पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंस होंगे, यहाँ पे एवरी यहाँ पे इस टाइप से इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। जब इस टाइप से पार्टिकल का अरेंजमेंट हो जाता है तो इनका बीच में क्या होता है, एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉर्म हो जाती है। हेक्सागोनल ज्योमेट्री किस तरीके से फॉर्म होगी, इस तरीके से हेक्सागोनल ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो फॉर्म हो जाएगी, इस तरीके से क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हेक्सागोनल जब भी फॉर्मेशन हो जाएगा, चाहो तो पार्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने पहले ही बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो भी नेबरिंग एटम होते हैं, मतलब मैक्सिमम कॉन्टेक्ट ऑफ नेबरिंग एटम, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर जो भी पार्टिकल होता है वो सबसे ज्यादा अरेंजमेंट उसके नेबर्स के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने 6 पार्टिकल के साथ ना नेबरिंग पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे हेक्सागोनल, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसको हेक्सागोनल बोल देंगे, क्लोज पैकिंग बोल देंगे, ये हमारा बनेगा हेक्सागोनल, तो इसको बोलेंगे। पूछो सर, ये क्या पढ़ा रहे हो? क्लोज पैकिंग ही चल रहा है वो, कल वाला उस दिन लास्ट क्लास वाला चल रहा था ना, 2D क्लोज पैकिंग के अंदर। तो 2D क्लोज पैकिंग के अंदर हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखा था, आज हम लोग क्या देख रहे हैं उसी के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख रहे हैं। मतलब 2D में क्या होता था, एक 2 रोज होती थी, मतलब 2 डायरेक्शन होती थी, एक यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल। इसी केस में यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे, 3 पार्टिकल्स की लेयर क्या होगी, अरेंज हो जाएगी, और तो उसमें क्या हो जाएगा, एक हेक्सागोनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हेक्सागोनल क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको, तो यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। तो ये पूछते हैं एग्जाम में कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो हमको पता होना चाहिए, इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और यहाँ पे अगर 1D होता है तो 1D के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, तो 1D के कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारा 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2D क्लोज पैकिंग हमारा यहाँ पे फिनिश होता है कि 2D क्लोज पैकिंग क्या होता है। इसी तरीके से क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जब भी क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो इनके बीच में देखते हो यहाँ पे ये सम स्पेस प्रेजेंस होता है, इतना खाली स्पेस बच जाता है। एवरी अरेंजमेंट जब देखेंगे ना, तो पार्टिकल्स के बीच में ये क्या होता है, सम स्पेस जो होता है ये बच जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पूरा एक तरीके से स्पेस ये फॉर्मेशन है, यहाँ पे यहाँ तक यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाता है, स्पेस बच जाता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, तो ये भी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है कि स्पेस को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग वॉइड बोल देते हैं, ठीक है। वॉइड, और इसका अनदर नेम क्या, उसको बोल सकते हैं फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, ठीक है। वॉइड और बोल सकते हैं इसको, और फ्री स्पेस, यहाँ पे फ्री स्पेस, और साथ में इसको बोल सकते हैं वैकेंट स्पेस, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हमारा कोई भी क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है तो उसमें सम वैकेंट स्पेस होता है, तो जो भी वैकेंट स्पेस बचता है उसका नाम क्या हो जाता है, उसको वॉइड बोल देते हैं, VOIDS, वॉइड्स बोल देते हैं यहाँ पे, है ना। वॉइड से, क्योंकि यहाँ पे
वॉइड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक नहीं होगा, बहुत सारे इस टाइप के वैकेंट स्पेस इसमें प्रेजेंस होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वॉइड्स फॉर्म हो जाते हैं। अब वॉइड्स का भी शेप किस टाइप का होता है, दीज आर ट्रेंगुलर इन शेप, द ट्रेंगुलर वॉइड्स आर टू टाइप्स, है ना। तो इसमें जो वॉइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसका शेप रहेगा ट्रेंगुलर शेप, और ट्रेंगुलर वॉइड्स आर टू टाइप्स, वन रो एपेक्स ऑफ द थ्री ट्रेंगुलर पॉइंट्स आर अपवर्ड इन नेक्स्ट लेयर। मतलब कि जो ये तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं है वैसे कि ट्रेंगुलर वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए वॉइड का जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है, ट्रेंगुलर शेप फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से तो यहाँ पे हमारा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में फिनिश हो रहा है कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग आ जाएगी, साथ में उसमें क्या आ जाएगी, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ जाएगी, और क्लोज पैकिंग के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको 3D क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हो, 3D क्लोज पैकिंग। तो बोल सकते हैं थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल